ओह माय गॉड इतना पेन कैसे बनाएंगे टैटू। ऑफ कोर्स लोग क्या सोचते हैं टैटू में बहुत पेन होता है, होता था किसी जमाने में, लेकिन अब टैटू में दर्द नहीं होता है, नहीं तो नहीं बोलूंगा होता है लेकिन परसेंटेज काफी कम हो चुकी है। क्यों इसका रीजन क्या है, इसका रीजन समझते हैं कि दर्द क्यों होता है। नंबर वन, अगर आपके टैटू में पेन हो रहा है तो इसकी मिस्टेक्स आर्टिस्ट की हो सकती है, क्योंकि जब इस मशीन में निडल सेट की जाती है या मशीन की निडल को स्किन पे अप्लाई किया जाता है तो ये मशीन के ऊपर जो टिप दी है निडल जब बाहर आती है, आई शो यू, आप ये देख सकते हैं निडल इतनी बाहर आती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि इतनी निडल अंदर जानी चाहिए स्किन। दूसरा, स्किन के अंदर लेयर्स होती है, डर्मिस होती है, एपिडर्मिस होती है, हमें सिर्फ एपिडर्मिस की ही टच करना होता है बॉर्डर्स पे, हमें उसके अंदर नहीं जाना होता क्योंकि उसके अंदर वेन्स वगैरह होती हैं, तो जैसे ही वो अंदर जाएगी दर्द ज़्यादा फील होने लग जाएगा। तो ये आर्टिस्ट के लिए मैसेज है कि अगर आप टैटू बना रहे हैं तो स्पेशली ये ध्यान रखें कि आपकी मशीन की सेटिंग आपने कैसे करी। दूसरा, आप जब स्किन पे इसको अप्लाई कर रहे हैं तो कितनी परसेंटेज अंदर जा रही है, कि 1 mm 2 mm ये भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बता रहा हूँ, आपको बहुत हल्की सी टच करनी होती है स्किन पे, क्योंकि स्किन हमें अगर देखा जाए तो बहुत पतली सी स्किन होती है, उसमें बहुत सारी लेयर्स होती है, एपिडर्मिस पे टच करना होता है। दूसरा, पेन एक साइकोलॉजिकल सिस्टम है जिसके आधार पे ये पता लगाया जा सकता है कि कई बार आप, एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, कई बार हमें चोट लगी होती है लेकिन हमें अपने इंटरेस्ट का कोई काम करना होता है तो हम पेरेंट्स को बताते भी नहीं और हमें फील भी नहीं होता। जस्ट लाइक अस, आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल से आप गिर गए, या आप गाड़ी चला रहे हैं उससे गिर गए और गलती आपकी है, गाड़ी डैमेज हो चुकी है, आज आपको दर्द हो रहा है लेकिन ये दर्द आप पेरेंट्स के सामने फील नहीं करने देंगे कि यार आपको दर्द हो रहा है। या मान लीजिए आपकी हस्बैंड वाइफ हैं, वाइफ के घर में किचन में काम करते हुए लग गई तो उसको दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन कई बार आप चाहते हैं कि आपका दर्द आपको फील भी हो और दूसरे को भी फील हो, उस समय आप क्या करते हैं कि जब वो दर्द होता है तो आपको एक्चुअली फील होता है। टैटू इज द सेम कंडीशन। तो टैटू में क्या होता है, जब टैटू बन रहा होता है तो अगर आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर दें, या तो गाना सुने जो आपके फेवरेट गाने हों, या स्टूडियो में, या आर्टिस्ट के लिए कि वो अपने स्टूडियो में या तो टीवी अरेंज करके रखे या कुछ गेम्स वगैरह डाउनलोड कर दे तो गेम्स लग जाए, म्यूजिक ऐसा हो जो क्लाइंट आपका डाइवर्ट हो जाए, तो उसका जो मेन फोकस आपका टैटू से है वो डाइवर्ट हो जाएगा और वो उसका जो पेन होने वाला है वो उसको फील नहीं होगा। एक और चीज़, ज़्यादातर आर्टिस्ट लोग बात करते हैं क्लाइंट से, जैसे आपने देखा हो डॉक्टर्स वगैरह बात करते हैं, जैसे इंजेक्शन लगाना होता है तो इंजेक्शन लगाता है वो डॉक्टर पूछता है अच्छा क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, कहाँ के रहने वाले हो, इस तरीके से हमें क्लाइंट से बात करनी होती है, क्या करते हैं आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं, अच्छा अच्छा ये टैटू किसका बन रहा है, अब वो टैटू किसका बन रहा है उस बात को आपने छेड़ दिया और तो वो फोकस करने लग जाएगा कि मैं टैटू क्यों बना रहा हूँ। बिकॉज एक्चुअली नॉर्मली 90% लोगों के टैटू पे फीलिंग्स बिलोंग करती है, एक्चुअली टैटू फीलिंग्स से बनाया जाता है, बिना फीलिंग के लोग कम ऐसे लोग हैं जो टैटू बनाते हैं। सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप क्लाइंट को डाइवर्ट करते हैं तो उसका दर्द कम होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये आर्टिस्ट के लिए है, आजकल ओरल एनेस्थेटिक चीज़ें आती हैं जो हमें जो प्रोडक्शंस होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होती है, आप चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। एक क्रीम आती है जो स्किन टैटू बनाने से पहले आप उसे लगाइए, आधे घंटे का टाइम दीजिए तो आपका जो पेन होता है वो 50% कम हो जाता है। एक स्प्रे आता है जो टैटू बनाने के दौरान अगर आप यूज़ करते हैं तो भी दर्द कम हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि 100% पेन लेस हो जाएगा, 50-60% पेन आपका कम हो जाएगा जिससे टैटू इजीली बनाया जा सकता है, आपको चिल्लाना नहीं पड़ेगा और आपके बहुत दर्द नहीं होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आर्टिस्ट के ऊपर कि आर्टिस्ट कैसे बनाता है, और ये भी डिपेंड करता है कि स्किन कैसी है। देखिए, कोई गर्ल है जो अपनी स्किन को बहुत प्रोटेक्ट करके रखती है, बहुत ध्यान रखती है, तो उसकी स्किन की लेयर पतली होगी, उसको बहुत जल्दी फील होगा। सो क्या करना चाहिए हमें, उसमें निडल की जो साइज होती है उसको बिल्कुल अंदर रखें ताकि हल्का सा टच करें स्किन पे, तो हमारा काम चल जाएगा। अगर कोई बॉडी बिल्डर बंदा है तो उसको पेन कम होगा क्योंकि ऑलरेडी वो पेन लेता है जिम में, डेली लेता है, तो उसको पेन कम फील होगा क्योंकि उसकी मसल्स ऑलरेडी टूट चुकी है, ठीक है, तो उसकी मसल्स से इतना दर्द नहीं होने वाला उसको। तो ये डिपेंड करता है, दर्द बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ काफ़ी एडवांस मशीन आ चुकी हैं जहाँ पे, जैसे पेन मशीन मैं देख रहा हूँ आपको, इसमें बिल्कुल निडल सीधी जाती है और सीधी वापस आती है, दैट्स व्हाई कि इसमें पेन कम होता है। सो मेरे ख्याल से इट्स साइकोलॉजिकल थॉट, पेन फील करेंगे तो होता है, पेन फील नहीं करेंगे तो नहीं होगा। थैंक यू।